कहत हैं हाँ कि हाई होली नचा गई। अच्छा तो का करी? अरे करे क्या का कुछ निक बाउर घर में लिया दा बोनी ओनी तनी अबीर लिया दा तनी रंग लिया दा बैलर हो ई जानत हो कि हमारी ज्ञान होली मोली नाचल। अच्छा इहो ना मनाल हम आनी कुल ना मनाई लाई कुल ब्राह्मणी व्यवस्था हम हन होली मोली ना मनावल जाला। होली गम का त्योहार है वो दिने हम हन नहा धो के दिन भर खाली सुती ला। हाँ ये बदे ई पंडित जी लोगन के द्वारा बनावल त्योहार होली मनाना हम लोगों के लिए महापाप। समझ में आया? सुनी सुनी हमार बात सुनी जानी हमारा के तू भर मावा बलम सप बतिया तू हमके बतावा मार नहीं रहे हैं हाँ। समझा रहे हैं। अच्छा क्या है? अरे पुरखों की बगिया सजावा कोई पावन मिशन में आवा जात पात धर्म मजहब नहीं मानते हैं। अच्छा हम बाबा साहब का मिशन तथा गद बुद्ध का विचार लेकर ढोते हैं। अच्छा सुनी हमार बात। हाँ जतिया में ऊंच नीच सब ही कहाला जतिया में श्रेष्ठ ब्राह्मण काहे भुलाला रीत भारत कई है निभावा रीत भारत कई है निभावा बलम सब बतिया तू हमके ऐसा है हम बता दिए कि हम जात पात को मानते नहीं। तुम्हारे दिमाग में आया कि भगवान ने ऊंच नीच बनाया और भगवान ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बनाया। सही बात। ये कुछ टोटल गलत है। गलत ये तुम्हारे समझ में ही नहीं बैठ रहा है। सुनो हाँ। और भारत की ऐसी रीत को ना निभाएंगे ना निभाने देंगे। कैसे? जहां पूछा ला नहीं क्यों कर जातिया हो ना सबकी कीमतिया अगर समझ गई तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। पूरा जीवन में धन्य धान से एकदम संपन्न हो जाओ। सुनी हमार बात। हाँ
क्षमता और ममता के हम नहीं मानी। अरे तू कैसे मनबू, प्रज्ञा और ज्योति के कुछ नहीं जानी। सीताराम के शरण में आई, तब तबियत कल्याण हुई। टोटल गोबराई, अरे हरदम हरदम गोबराई गोबराई पहला हमारे समझ में आया। ऐसा है कि का जिंदगी गाजर कर दे दू एकदम, दिमागवा गाजर मत करा, जवन समझावत है समझा। सीताराम दुनिया के हम शरण में जाए हुए वाला ना है, आ तू समता समानता ममता माना वाली ना हो। समता ए तनी लई को धीरे धीरे बजावा, समता समानता स्वतंत्रता ई भाईचारा, आ तू एक मन ही के ना हो। ये बदे कि नैहर से पंडित जी लोग तू नैहर पहुंचला इतना तुमको सब रिचार्ज कर दिए हैं तुम्हारे दिमाग को कि हमारी बात तुम्हारे समझ में आई नहीं रही। सुनो पहले, समता या ममता कला कल बजरिया, विनोद करे जवाब लगा था कि अब निकाल लिया, इसके समझे में नहीं आ रहा। ये पूरा गांव पूरा हमारे लोग लगे हैं समाज को सुधार करके बुद्ध धर्म को लाने में, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लाने में, और तुम कहाँ भरम रही हो। मारा इनके कुछ पतो हम बतावत, हमके कुछ पता है ना। सुना, हम सुना। हम टोटल लड़बे रहे, खाली तू पढ़ले लिखले हो, डिग्री तुअरे पास है, तू ही पुल जानती हो। तो देवी तू ही सुनावा, तुअरे सुनी और तुअरे समाज के समझाई। कहो सही कहो भाई, हंसो मा हंसो मत, तू मारे चलाके में हंस रही हो कि एकदम लड़बक हवा। हम चलाक है, इनके खूब लड़बक बनोगे। यहाँ बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को जानने वाले लोगों को पागल कहते हैं। तुम ही अगर सोच रही हो तो गलत नहीं सोच रही। सुना सुना, हाँ ब्रह्मा और विष्णु सुना भी हनुमान हो, ब्रह्मा यो विष्णु सुन भी हनुमान हो।
माता लक्ष्मी रुपया का खान तब का उनके 40-50 को रुपया बनावा का मशीन लगल जैसे गैया भैंसियन के जितना पहनाल उतना बढ़िया दूध देली उतना ज्यादा देली तो लक्ष्मी के पहनवावल जाई तब दी है। अरे सुनो 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 नहीं कहने का मतलब जितना पूजैया उतना रुपया दिया तो वो जितना पूजैया उतना पहनाइया है सही नहीं जा रहे हैं। हम इसके दिमाग को केवल टटोल रहे हैं। देखिए कितनी ब्राह्मणवादी मानसिकता की है ये कह रही है कि माई लक्ष्मी रुपया का खान है उनके मशीन बैठली धीरू भाई अंबानी का वह बड़की दीदी है ये। सुनो हाँ ज्योतिराव फूले साहू का घर रविदास से खजाना जय भीम का नारा लगावा जय भीम का नारा लगावा पूरी अभी सावन मिशन में आवा ऐसा है कि रुपया पैसा धन दौलत महापुरुषों के त्याग बलिदान से हम लोगों को मिल रहा है। अच्छी लक्ष्मी रुपया नहीं देती है उनके तो हर बात समझ समझ में आओ तो ना ही समझनी कि ना समझनी। अरे यार ना बात समझ में आई तो तुम केकर बात समझ में आई सुनी हमार बतिया बसर यहाँ हो खे के बसर यहाँ हो खे के हमार बात ना समझो तो आखिर ही बतवा कि के दूसर समझाई ना ही ऐसन बात ना है कि ना समझब हाँ समझब जरूर लेकिन हम सही प्रमाण पैबू तब अच्छा सुनी हमार बात हाँ बतिया तोहार हमरे समझ में नया तुहरे विचारधारा पर चली बुद्ध भीम तुहरे समझ में ना आवत ब्रह्मा विष्णु तुहरे समझ में आवत लक्ष्मी तुहरे समझ में आवत ऐसा है ये मन की जो बीमारी है इसको हटा दो ये तुम एक रोग पाली हो ले जाके गोरखपुर साथ लगवा दो मत बोलल करो बीचे में जब हम लोगों में बात होती है हम लोगों में चीत होती है तो तुम लोग मत बोला तुमसे कोई मतलब तुम जाओ अपने घर अपना गोरु चौवन देखो इनके घर से निकाल दाई देश निकाले के चक्कर में ऐसा है अभी शादी इसकी कर देते हैं ना
शादी कर देते हैं, ओकरे बाद एक बनाओ खाओ वाली आ जाए, ओकरे बाद इन्हन के दक्षिण वाला घर देके अलग कर देने की जरूरत है। इन सबों से हम भी जान रहे हैं कि इन सबों से गुजर होने वाला नहीं है। सुनो, हाँ बोली। यो पर मजा ले थो तुम्हारे वजह से वो कहत रह करिया खूब लिए बीच के, इसलिए समझा रहे हैं कि बतिया को अगर समझ जाओगी तो ये कुल मजा लिए बन कर। अच्छा हाँ सुनाई। मनवा का सारा तुहरे मीठी कलेश हो, ज्ञानी गौतम बुद्ध जी का माना उपदेश हो, को हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा मान सम्मान रखो, नहीं तो अब हमार कुछ बची ना। ये बदे हम जौन कहते हैं देवी एक समझ ला, ना समझबू ता हमार जीवन यही में जा था, तू जाइबू है और हम जाई भोर, वही में परिवार छितिरा जाए। ना ना देखिए आपका बात हमारे समझ में आ गई। आ गई? हाँ समझ में आ गई। बहने आधा किलो शेष के अंत से लिया देते ही गजरे का हलवा। अच्छा सुनी हमार बात, कंचन समझ गई बतिया ये रजऊ, त्योहार करब नहीं कुछ समझ गेलू। बड़ा अच्छा कैलू, अब एक काम खाली करा कि घूम घूम के लोगन के जात से बहरे करा। अच्छा का हो आखिरी लाइन, जात के दीवार रानी जल्दी गिरावा, कभी सूरज भान जी से गीतिए लिखावा,
चादर जय भीम नमो बुद्ध।